हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। यूपीएसआई में वैकेंसी लिस्ट कर दी गई है 2021 में। मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आ चुका हूं, जो पेपर हुआ है 21 दिसंबर 2017 को। थर्ड शिफ्ट का पेपर आपके सामने है, तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश एसआई के लिए। 2017 में वैकेंसी निकाली गई थी, पेपर लिया गया था, तो यहाँ आपके सामने पेपर लेकर आ चुके हैं प्रैक्टिस करने के लिए। इसके लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, देखिए कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन छूट रहे हैं। दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। कंटिन्यूसली हमारे चैनल के माध्यम से लेटेस्ट अपडेट आपको दी जा रही है। पेपर्स हो, रिजल्ट हो, वैकेंसी हो, नोटिफिकेशन हो, एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो, या कोई नई वैकेंसी का डेट आया हो, उन सभी के आपके इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो कोशिश यही करना है कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ऑल पर, जिससे आपको हमेशा नोटिफिकेशन जाते रहे। मैं आगे बढ़ाता हूँ। आपको करना क्या होगा, तो हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है और पहले अपने आप को यहाँ पर चेक करना है कि कितने आपसे बन रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, कितने छूट रहे हैं। आप चाहें तो पहला क्वेश्चन का आंसर 1 का B, 2 का C, 3 का A ऐसे लिख सकते हैं। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में नीचे में आपको मिल जाएगा सभी का आंसर, जितने क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो सारे क्वेश्चन पढ़िएगा, उम्मीद करते हैं। मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ, जिससे क्या होगा कि आपको यहाँ अच्छी तरीके से आप देख पाएंगे। दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे आपके फ्रेंड्स जो भी फॉर्म फिलअप किए हैं 2021 की भर्ती वैकेंसी में, उनके पास भी इन्फॉर्मेशन मिल पाए और वो भी इस पेपर को देख पाएँ, समझ पाएँ, जान पाएँ, ओवरऑल पेपर का एक्सपीरियंस वो भी ले पाएँ। 17 में पेपर लिया गया था उत्तर प्रदेश में, 2017 का पेपर आपके सामने है। दिसंबर के महीने पेपर लिया गया था, पेपर लेकर आए हुए हैं सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपको पॉज करना है और सॉल्व करना है और देखना है कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे 5 सेट और भी हमारे पास हैं, सभी अपलोड कर दिए जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पेपर पूरा सॉल्व करना है और अपने आप को टेस्ट करके देखना। तो यहाँ पर सामान्य अध्ययन स्टार्ट हो चुका है, तो सामान्य अध्ययन के सारे क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। फिलहाल पेपर आप सॉल्व कीजिए और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है बहुत सारे पेपर्स, चाहे वो एसएससी की भर्ती हो, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वैकेंसी हो, उनके चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, 10+2 की वैकेंसी निकाली जाती है, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो सीपीओ हो, स्टेनोग्राफर हो, या जूनियर इंजीनियर, उन सभी ये पेपर्स डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है कम्बाइंड शिफ्ट करके। कोई 15 शिफ्ट का है, कोई 20 शिफ्ट का है, कोई 35 शिफ्ट का है। उसी तरीके से आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी निकाली गई थी, उसके प्रीवियस ईयर पेपर, साथ ही साथ ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर, उन सभी के पेपर सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ से आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तब यहाँ पर आप देख रहे हैं पेपर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, आप यहाँ अनुमान लगा सकते हैं और चेक कर सकते हैं अपने आप को। आगे बढ़ाते चल रहे हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की डिमांड आ रही थी कि यूपीएसआई का पेपर लेकर आइए प्रैक्टिस करने के लिए, तो लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर आपका मैथ स्टार्ट हो चुका है, सॉरी इसमें रीजनिंग स्टार्ट हो चुका था। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, पेपर लेकर आए हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
तो आप मैथ्स देख रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन बन रहे होते हैं बनाइए और चेक कीजिए अपने आप को। यहाँ से आपकी रीजनिंग स्टार्ट हो चुकी है, मैथ समाप्त हुआ और अब यहाँ पर आप पार्ट 4 जो भाग 4 है उसमें आप रीजनिंग देख रहे हैं।